बैम्बू आर्ट का अद्भुत नमूना हमीरपुर में देखने को मिलता है, जिसमें बैम्बू आर्ट की कलाकारी कर करतार सिंह सौंखला ने शीशे की बोतल में ऐसी ऐसी कलाकृतियां बनाई हैं कि जिन्हें देखकर हर कोई दंग रह जाता है। चाहे अस्तित्व खो रही धरोहरें हों या फिर चीज़ें या फिर मंदिर या मशहूर टावर, इन सभी को करतार सिंह सौंखला ने अपनी कला से बोतल के अंदर कैद कर दिया है। अभी हाल ही में लॉकडाउन के दौरान करतार सिंह सौंखला ने पीएम मोदी, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम के अलावा साईं राम शिव परिवार की मूर्तियां बोतल में बना डाली हैं, जिन्हें देखकर हर कोई हैरान रह जाता है। सबके मन में एक ही सवाल उठता है कि आखिर किस तरह बोतल के अंदर कलाकृतियां बनाई गई हैं। लेकिन करतार सिंह सौंखला ने ये अनोखा काम करके दिखाया है। आपको बता दें कि करतार सिंह सौंखला हमीरपुर जिला के नोंगी गांव के रहने वाले हैं और मार्च माह में NIT हमीरपुर से स्वास्थ्य विभाग से ब्रिस्ट फार्मासिस्ट के पद से सेवानिवृत्त हुए हैं। और करतार सिंह को बचपन से ही कुछ अलग करने का शौक रहा है और वर्ष 2000 में मन में उठे एक शौक के चलते शीशे की बोतल में बांस से एक डिजाइन तैयार कर दिया और उसके बाद सिलसिला जारी रहा है। अब तक सैकड़ों बोतलों में विभिन्न कलाकृतियां बनाकर तैयार की हैं, जिनको देखकर लोग काफी प्रशंसा करते हैं। हालांकि करतार सिंह ने इन कलाकृतियों की प्रदर्शनी प्रदेश सहित देश के विभिन्न हिस्सों में भी लगा चुके हैं, जहाँ पर हर किसी के द्वारा इनकी सराहना की गई है। करतार सिंह सौंखला ने बताया कि कलाकृतियां बनाने का शौक बचपन से रहा है, लेकिन लॉकडाउन के चलते पीएम मोदी, सीएम जयराम ठाकुर, पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम की बोतल में कलाकृतियां बनाई हैं, जिन्हें बनाने के लिए घर पर ही बांस के सामान से तैयार किया गया है। उन्होंने सरकार से मांग की है कि छोटे छोटे संस्थान खोलकर बैम्बू आर्ट को बढ़ावा दें और इसे टूरिज्म से जोड़ा जाए ताकि युवा इसका फायदा उठा सकें। गुरु नानक जी बनाए, मोदी जी हैं अपने, ये अपने अब्दुल कलाम जी हैं और साथ में अपने मुख्यमंत्री जो हैं इनका बनाया हुआ है, श्री जयराम ठाकर जी का, ये बोतल के अंदर ये बनाए हुए हैं। इन पे जीरो है जी, सिर्फ आपका जो टाइम लगेगा और दिमाग खर्च होगा वही है, बाकी पैसे का भी इसमें कोई रोल नहीं है। कहीं से कोई चीज़ खरीद के नहीं लाए हम, यहीं पर जो कुछ था वो घर में जो ले। इसमें मैं बांस का ही करता हूँ इस्तेमाल, क्योंकि ये हमारे को फ्री ऑफ कॉस्ट पड़ता है हमीरपुर में खास करके, क्योंकि कहीं भी मिल जाता है ये, तो इसको फिर रिफाइंड करके और वो ये मेहनत वाला जो है उसी में ये निकल जाता है सारा। यही है कि ऐसे छोटे छोटे इंस्टीट्यूट चलाएं और जो बच्चे सीखते हैं और जो बनाते हैं इस चीज़ को, बच्चे अगर बना रहे हैं, आइटम्स बन रही हैं, तो इसको मैं टूरिज्म के साथ जोड़ना चाहता हूँ खास करके। अगर जैसे टूरिस्ट होटल होते हैं इनके, टूरिज्म के बड़े बड़े, उनके अगर कहीं काउंटर पे उनको लगा दें, जैसे बाहर कोई काउंटर बना के उनको मतलब डिस्प्ले करें, तो जो टूरिस्ट आएगा वो खा मखा कुछ ना कुछ लेके जाएगा। इससे गवर्नमेंट को भी फायदा है और जो बच्चे सीख रहे हैं उनको भी इनकम का एक सोर्स है, बहुत ही बढ़िया है। करतार सिंह सौंखला की पत्नी सुनीता ने बताया कि पहले तो इस तरह के काम करते हुए बेकार काम लगता था, लेकिन जब लोगों ने भी बहुत सराहना की तो बांस के टुकड़े को तराश कर बोतल में कलाकृतियां बनाना कठिन काम है। उन्होंने बताया कि अब बहुत अच्छा लगता है और परिवारजन भी पूरा साथ देते हैं। सुनीता जी, आपके पति जो हैं बहुत अच्छी कलाकृतियां बनाते हैं बोतल में बंद, आपको कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है, बहुत अप्रिशिएट करते हैं। अभी पिछले साल हमारी चार-पांच एग्जीबिशंस लगी थी तो लोगों ने तो बहुत अप्रिशिएट किया। मेरे पास करने के लिए ऐसे शब्द नहीं है, जब पहले तो मैं नहीं जाती थी साथ, एक दो बार मैं भी गई हूँ तो मैंने खुद देखा कि लोगों का बहुत रुझान है। स्पेशली पता क्या है कि इसमें एक छोटा सा बांस का टुकड़ा लेके आप स्प्लिंटर्स बनाने होते हैं, थोड़ा उसको रिफाइन करना पड़ता है, काम तो बहुत टफ है वैसे ही, लेकिन पैसा कोई नहीं है उसमें। और हमारे आसपास जो रॉ मटेरियल होता है, वेस्ट जिसको हम जला देते हैं, या कैसे जैसे ये बनाई है इन्होंने चील के जो फल लगते हैं उससे ये कबूतर बना दिए हैं, ये बना दिए इधर, और ये बॉटल्स खुद तो ये पीते नहीं हैं लेकिन इधर उधर कहीं शराब की बोतल मिल जाती है तो उसने धोधा के उसको इस्तेमाल किया इन्होंने, तो चलो कचरा भी कम हो गया और ये चीज़ भी बन गई साथ में, और बहुत अच्छा लगता है, बहुत अप्रिशिएट करते हैं लोग।
बहू सरिता का कहना है कि अच्छा लगता है कि ससुर करताल सिंह कलाकृतियां बनाते हैं और बांस की मूर्तियां बोतल में कलाकारी करते हैं और ये अद्भुत काम है। मुझे बहुत अच्छा फील होता है, फर्स्ट टाइम जब मैंने देखा था तो मुझे बहुत अच्छा लगा देख के कि पापा बांस के मतलब उससे कितना कुछ मतलब सुंदर सुंदर मूर्तियाँ बिल्डिंग्स बना रहे हैं। ठीक है, हमें भी आगे सीखने को कुछ मिले तो ये तो बहुत ही टफ है। पापा जी सीख पाएँ तो बहुत खुशी होगी, बट ये बड़ा मुश्किल काम है, पापा ही कर सकते हैं।